आदाब नाज़रीन, अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शुरू करने से पहले हदीस मुबारक का पेश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गैर महरम औरत पर एक नज़र पड़ने के बाद दूसरी नज़र न दौड़ाओ, इसलिए कि पहली नज़र तुम्हारे लिए माफ़ है और दूसरी नज़र माफ़ नहीं। तिर्मिज़ी। भैंसा मुस्लिम शादी खाने के बाला हिस्से उर्दू लाइब्रेरी में 20 अप्रैल से बीसेट की मुफ्त कोचिंग। टीआरएस हायदीन एएमसी चेयरमैन जी मुरलीगढ़, नायब सदर भैंसा फारूक अहमद सिद्दीकी, एजाज अहमद खान का जी विठल रेड्डी से इजारे तशक्कुर। इस मौके पर अब्दुल गफ्फार भोजाराम, मारुति पटेल डायरेक्टर एएमसी भैंसा, यूथ सदर अब्दुल वासी रसूल, मोहम्मद आदिल, कासिम भंडारी, साजिद लक्की, सैयद अल हाशमी और दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। రీసెట్ పాలిసెట్ తర్వాత ఇటువంటి రకాల కోచింగ్ సెంటర్ ఫ్రీగా పైసా పట్టణానికి తీసుకోవడం జరిగింది. మామూలుగా పైసా పట్టణం లోపల ఉర్దూ మీడియం స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లోపల ఉండాల్సిన సెంటర్ను పైసాకి తీసుకువచ్చి పైసా లోపల ఉన్న ఉర్దూ స్టూడెంట్స్కి ఉర్దూ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి ఫ్రీ కోచింగ్ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇవ్వబడుతుంది. వేరేసారి కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్రీ కోచింగ్ సెంటర్లు ఉండాలి జరిగినాయి. ఈసారి మళ్ళీ మన వైసా పట్టణంలో రీసెంట్లీ మనకి ఫ్రీ కోచింగ్ సెంటర్ వచ్చింది కాబట్టి ముస్లిమై కూడా ముస్లిం స్టూడెంట్స్ హిందూ స్టూడెంట్స్ ఓపీఐ ఇప్పుడు విచారిస్తారుగా ఎవరో అభ్యర్థి ఫార్మ్స్ సెంటర్ని లేక మరో సెంటర్సే అక్కడ ఫార్మ్స్ ప్యాకింగ్ కంటే ఓలో జాయిన్ ఫ్రీ కోచింగ్ యూజ్ కానీ సభ్యులకు అందరూ విచారిస్తారు. సభలో వివరాధంగా కోచింగ్ లేక ఆగే జో ఆనే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ఉసే పాస్ అవుతే అప్పుడు वहाँ पर भी कई सालों से काम किया जा रहा है, शायद ही कोई MLA नहीं किए, लेकिन विठल रेड्डी साहब ने जो काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। मैं सब लोगों से जो DED है, जो एजुकेशन में जो रखते हैं, लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसका इस्तीफादा हासिल करें, क्योंकि कई हुकूमत हिंदुस्तान में तकरीबन 29 स्टेट है, लेकिन जो रियासत तेलंगाना ट्रेनिंग हासिल करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि अखिलेती जो है ना, जो बिल्कुल पीछे है उसको आगे लाने के लिए जो हर मैदान में, तालीम मैदान में होंगे, किसी भी कौन सी भी चीज़ में होंगे, वो आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं फिर से और एक मतलब अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो इसका इस्तेफादा कीजिए और जो है हमारे तालुक मदों का नाम रोशन कीजिए। जितने भी स्कीमात हैं TRS गवर्नमेंट की, KCR की जानिब से, हमारे जो है विठल रेड्डी साहब की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको भरपूर फ़ायदा कीजिए। और मैं खसूसन हमारे जो है महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर है और दिगर जो लोग हैं उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इजहार तशक्कुर करता हूँ कि जो हमारे जो मदोज तालुक़े में बल्कि नहीं रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। फिर से हमारे भैंसे की तरफ से, हमारे मदोज तालुकों की तरफ से, हमारे ज़िले निर्मल की तरफ से और एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ। माइनॉरिटीज़ के लिए जो फ्री कोचिंग्स जैसे कि NSET है, NEET है, DSET है, EdSET है, PolySET है, इस तरीके की जो कोचिंग दी जाती है, अलहमदिल्ला गुज़िश्ता साल भैंसा में हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद जनाब जी विठल रेड्डी साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर निर्मल ज़िले में भैंसा जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है उसको मद्देनज़र रखते हुए MLA साहब की अपनी ज़ाती एक कोशिश थी कि भैंसा में एक जो नाखानदगी है उसको है ना मुसलमानों का एजुकेशन लेवल बढ़ना बल्कि उनका जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए तमाम ही जो बच्चे ऑनलाइन करा चुके हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द उर्दू लाइब्रेरी पर वहाँ के जिम्मेदारों से, कोऑर्डिनेटर से, क्लर्क वगैरह से मिलकर अपने है ना ऑनलाइन कराए सो फॉर्म सबमिट करें और बेहतरीन फैकल्टी के साथ ये लोग काम अंजाम देने वाले हैं और अच्छे
तालीम मियारी फैकल्टी है जिससे गुज़िश्ता भी है ना वो स्टूडेंट्स इस्तेफादा हासिल करें, और MLA साहब का जो ख्वाब है कि भैंसा और तालुका मधोल में मुसलमानों का जो तालीमी लेवल बढ़ना बोल के, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो चाह रही है, हमारे KCR साहब महमूद अली साहब और हमारे CDM के डायरेक्टर हैं हमारे शुक्र साहब से भी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से आज ये सेंटर हमको MLA साहब की कोशिश की वजह से यह सेंटर मिला। बासर मंडल के रियात ओनी के मुतवतिन पप्पू गौतम को दलित युवा रत्न अवार्ड हैदराबाद के कला नीलम तकरीब में माला महा नायडू के हाथों दिया गया। इस तकरीब में रियासती मिनिस्टर के ईश्वर जयंती तकरीब कमेटी चेयरमैन व दीगर ने मुखातिब हुए। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन यही खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अशफाक अहमद।